वहीं बुरहानपुर जिले में 131 करोड़ की राशि से जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है। इसी के चलते इस योजना के तहत पानी सप्लाई किया जा रहा है और अब जल आवर्धन के कर्मचारियों ने इस पानी की टेस्टिंग लोगों पर करना प्रारंभ कर दिया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह पानी को शुद्ध करके लोगों के घरों तक पहुंचाना था, किंतु यह पानी बगैर फिल्टर किए ही जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्र के नागझिरी, बेरी मैदान, खैराती बाजार, इतवारा, आजाद नगर, नया मोहल्ला, लालबाग आदि क्षेत्रों में उल्टी दस्त से बच्चे बीमार हो गए। अब इन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 250 से अधिक मरीज निजी और शासकीय अस्पताल में भर्ती हैं, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के अभाव में एक पलंग पर 3 से 4 मरीजों को रखा गया है। शहर में डायरिया फैला हुआ है, इसके कारण अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बच्चे एडमिट है, लेकिन वो यहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही है कि यहाँ पे कोई बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं है। एक एक बेड पे पांच पांच बच्चों को यहाँ पे लिटा के रखे है। यहाँ पे गर्मी का ये हाल है कि यहाँ पे पंखे लगे हुए है, कूलर लगे हुए है, वो बंद करके रखते है ये लोग, और यहाँ पे कोई उनको देखने को तैयारी नहीं है। आज बुरहानपुर में जिस प्रकार सरकारी अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चे एडमिट हैं और कई बच्चों को एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जगह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं, अव्यवस्थाओं का एक एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं। डॉक्टर्स नाम की चीज़ नहीं, एक डॉक्टर बेचारा जो है वो सब दूर घूम रहा है, और यहाँ पर कोई भी शहर में जो डायरिया का मेन जगह जहाँ से डायरिया फैल रहा है, जो गंदे पानी से हो रहा है, उसको लेकर कोई किसी नेता को या किसी महापौर को या किसी जनप्रतिनिधियों को कोई फिक्र नहीं है। अभी क्या है कि डायरिया जो बीमारी है उसमें बच्चों की संख्या बढ़ रही है ना। अभी पिछले 3-4 दिन में कम से कम 150 से 200 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें अडल्ट भी हैं और पीडियाट्रिक बड़े बच्चे ज़्यादा हैं। इसके कारण से जो हमने चाइल्ड वार्ड में हमारी कैपेसिटी 20 की थी, उसको 20 के बढ़ाकर 30 की कर दिए, और PIC में हमारे यहाँ 10 की कैपेसिटी, उसको बढ़ाकर हमने 15 कर दिए। तो लेकिन बच्चों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इस कारण से एक बेड पे 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं, और अगर और इस टाइप से अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हम एक अलग व्यवस्था कराएंगे, एक अलग से वार्ड का की योजना तैयार है हमारे पास में, और वहाँ पर पलंग शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट वहाँ चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर के अंदर गंदा पानी आ रहा है, उस गंदे पानी की वजह से पूरे शहर में डायरिया फैल रहा है, और ये डायरिया जो फैल रहा है इसका जिम्मेदार हमारे यहाँ के महापौर, नगर निगम प्रशासन, क्योंकि इनको पिछले 6-7 महीने से सारे पार्षदों ने आगाह कराया कि गंदा पानी आ रहा है, इनके कान पे जू नहीं लगी। ये कोई भी चीज का टेंशन लेने को तैयार नहीं है, चाहे शहर के अंदर कितनी भी मौतें हो जाए। आज की स्थिति अस्पताल में यह है कि अस्पताल में कम से कम 150 से ऊपर यहाँ पे पेशेंट एडमिट है डायरिया के, उल्टी दस्त के, और यहाँ पर कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि 2 से 3 मौतें भी हुई है, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से कमिश्नर साहब को जो है उनके नॉलेज में डाल रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। मेला पानी भी उनको ले जाकर के सैंपल दिखाया था कि सर ये पानी बहुत गंदा आ रहा है। आज ये स्थिति आ पहुँची है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ा। शहर में चारों तरफ डायरिया फैल रहा है, बुरी तरह से बच्चे बिमड़ रहा है। डॉक्टर से भी हमने जानकारी ली तो डॉक्टर ने भी यही बताया कि भाई ये मैला पानी, गंदा पानी बच्चों को पीने से डायरिया हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, जल आवर्धन योजना के तहत पानी को शुद्ध करके लोगों के घरों तक पहुंचाना था, किंतु यह पानी बगैर फिल्टर किए ही जनता तक पहुंचाया गया, जिसके चलते शहरी क्षेत्र के नागझिरी, बेरी मैदान, खैराती बाजार, इतवारा, आजाद नगर, नया मोहल्ला, लालबाग आदि क्षेत्रों में उल्टी दस्त से बच्चे बीमार हो गए। अब इन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। बता दें, करीब 250 से अधिक मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बुरहानपुर से जुड़ चुके हैं संवाददाता गोपाल देवकर जी। जी गोपाल देवकर जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस विभाग की ओर से हम गलती देख सकते हैं? जी बता देना चाहूंगा मुस्कान, जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों से जो है डायरिया से बुरहानपुर के करीब आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले के लोग जो है परेशान हैं, यहाँ जिला अस्पताल में उनके एडमिट कराया जा रहा है, जिसके चलते यदि हम बात करें तो एक बच्चे की मौत के बाद जो है
आज कांग्रेस के करीब एक दर्जन से अधिक पार्षद जिला अस्पताल पहुंचे थे। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी के नेतृत्व में यहां पर हंगामा भी किया गया, यहां तक कि महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ भी जो है यहाँ पर खूब नारेबाजी हुई, क्योंकि बच्चे की मौत का मामला था जिसके कारण परिजनों के साथ साथ जो है पार्षद भी भड़के थे यहाँ पर जी। अब जो है और एक बच्चे की मौत की बात सामने आ रही है, जिसके बाद जो है अब काफी जो है परिजनों में आक्रोश है। यहाँ यदि हम बात करें तो इन तीन दिनों में लगभग 250 से अधिक जो है लोग और बच्चे यहाँ अस्पताल में एडमिट हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर यदि लगातार जो है बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दूषित पानी का मामला है यहाँ पर बुरहानपुर में। 131 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका पानी का टेस्टिंग प्रारंभ है। लेकिन यदि बात करें तो फिल्टर पानी देने की बात की जा रही थी, लेकिन बिना फिल्टर के ही पानी लोगों के घर पहुंच रहा है, जिसके चलते जो है इस प्रकार डायरिया फैलने की यहाँ पर जो है शिकायतें मिली और अस्पताल में लोग एडमिट हुए। अब यहाँ पर जो दूसरे बच्चे की भी मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक इसमें सख्त नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे और दोनों ही पक्ष जो है यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की हालत में सुधार कैसे आए। लेकिन जिला अस्पताल में यदि हम बात करें तो एक ही डॉक्टर के भरोसे अब यहाँ पर पूरा अस्पताल चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें तो गर्मी का मौसम है, यहाँ कूलर और पंखे भी जो है बंद होने के कारण भी परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से एक्शन लेता है। जी मुस्कान जी, गोपाल जी, तो जैसे जिले में 131 करोड़ की राशि से जल आवर्धन योजना सुविधा के लिए बनाई गई योजना से असुविधा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? 131 करोड़ की योजना पिछले 4 वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक जो है पूर्ण नहीं हो सकी। कई मोहल्लों में जो है जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण भी हो चुका है, कई जगह टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जिस तरह से फिल्टर पानी पहुंचाने की बात कही जा रही थी, अभी तक जो है लोगों के घरों में फिल्टर पानी नहीं पहुंचने के कारण इस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है, जो कि एक बड़ी समस्या उभर कर पूरे शहर के लिए और पूरे जो है यहाँ के लोगों के लिए एक मुसीबत बन सकती है। जी मुस्कान जी, तो बीमार बच्चों के परिजनों की क्या स्थिति परिस्थिति, उनका क्या कहना है इस पर? परिजनों का यही कहना है कि इस तरह से भी स्थिति बनती रही तो लगातार जो है लोगों की मौत होती रहेगी और जो है बच्चे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण शहर की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जी तो इसमें नगर निगम अधिकारी का कोई बयान सामने आया है? चूंकि नगर निगम कमिश्नर इसमें कुछ भी कहने से बच रहे, इसका उसका उनका कहना है कि जल आवर्धन योजना के लिए जो है जेएमसी कंपनी जो है वो जिम्मेदार है, उनका नगर निगम में अभी हैंडओवर नहीं हुई है, इसलिए किसी प्रकार से नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, जेएमसी कंपनी ही इसके लिए जिम्मेदार है। जी, विस्तार से मामले की जानकारी के लिए धन्यवाद गोपाल जी। तो जैसा कि हमने बताया, जल आवर्धन योजना जिसके लिए 131 करोड़ रुपए आवेदन किया गया था, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह पानी को शुद्ध करके लोगों के घरों तक पहुंचाना था, किंतु यह पानी बगैर फिल्टर किए जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्र के नागझिरी, बेरी मैदान, खैराती बाजार, इतवारा, आजाद नगर, नया मोहल्ला, लालबाग आदि क्षेत्रों में उल्टी दस्त से बच्चे बीमार हो गए। अब इन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें करीब 250 से अधिक मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां इनका इलाज अभी किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के अभाव में एक पलंग में 3 से 4 मरीजों को रखा गया है।